हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आज आपके लिए पुदीना का रायता लेके आई हूँ, एकदम स्पेशल और होटल जैसी टेस्टी ट्रिक में बनाएंगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं पुदीना का रायता बनाने के लिए सामग्री ली हूँ। मैं ली हूँ हरी मिर्च, पुदीना, लहसुन, दही और धनिया और अदरक। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लूंगी। धनिया डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च के टुकड़े करके के डाल दूंगी। फिर मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूंगी। एकदम टेस्टी पुदीना का रायता बनाएंगे। अब मैं पुदीना डाल दूंगी, एकदम फ्रेश व ताज़ा पुदीना है। अदरक की टुकड़ी करके डालूंगी। अब मैं इसके अंदर जीरा डाल दूंगी, एक चम्मच जीरा डाल दूँ। जीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अदरक के मैं टुकड़े करके डाल देती हूँ पुदीना का रायता बनाने के लिए। झटपट बनाइए पुदीना का रायता, बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। अब मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो आप। मैं इसके अंदर काला नमक डाल देती हूँ। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसके अंदर एक नींबू का रस डाल देती हूँ, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा रायता के अंदर। झटपट आप पुदीना का रायता बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। एक बार मेरी रेसिपी के जैसे आप भी बनाइए। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अब थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसे पीस के तैयार कर लेती हूँ रायता के लिए। अब मिक्सी का ढक्कन बंद कर लेती हूँ। मिक्सी का ढक्कन बंद करके मैं पीस लेती हूँ। तो लीजिए, मैं पीस के तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं दही ले लेती हूँ एकदम फ्रेश, और दही के अंदर चटनी डाल के और रायता बना के तैयार कर लूँगी। दही के अंदर डाल दूंगी चटनी को और रायता बना के तैयार कर लूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। आप उपवास में बना सकते हो इसे। उपवास के लिए इसके अंदर सादा नमक की जगह आप इसके अंदर सेंधा नमक डाल सकते हो। और ये रायता बना के आप खा सकते हो और झटपट बन जाएगा ये रायता। और आप उपवास करोगे, जब उपवास के अंदर ये आपकी पूरी बॉडी को एकदम ठंडक पहुंचाएगा, ठंडा ठंडा रहेगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी उपवास करे हुए की। नव्या रसोई के अंदर आपको पुदीने के रायते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। बनाइए आप भी पुदीना का रायता और झटपट खाइए। महाशिवरात्रि पे या उपवास में आप बना के खा सकते हो पुदीना का रायता, बहुत टेस्टी बनता है पुदीना का रायता। झटपट बना के आप तैयार कर सकते हो मिनटों में। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। धन्यवाद।